हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुजिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं बायो सावर्ट लॉ के ऊपर, बायो सावर्ट लॉ क्या था। और थोड़ा सा आगे चलने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ओस्टेड ने बताया था कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट में से जब भी करंट फ्लो करता है तो अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फिर अपन एक वहाँ पर कैलकुलेट किया कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए वहाँ पर स्नो रूल किया, एम्पियर स्विमिंग रूल किया, ठीक है। और आज करने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो बना था, ठीक है, कितना बना था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, उसके बारे में बताने वाले जो थे वो बायो और सावर्ट, ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम के ऊपर ये लॉ का नाम रखा गया, दैट इज बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, जो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे इसकी एप्लीकेशन, लेकिन आज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बायो सावर्ट लॉ था क्या, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की वजह से एक पी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो यहां पर पी पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो बात करते हैं, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ ने क्या कहा कि इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। उस छोटे से पार्ट को नाम दिया गया करंट एलिमेंट का, मतलब एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया डीएल, ठीक है, जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। इस डीएल में से क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस डीएल करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं इसको इकट्ठा आइडियल बोल देते हैं, आइडियल इज द करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से, छोटा सा पार्ट लिया इत्तू सा, ठीक है, इस इत्तू से पार्ट से यहां पर पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी तो इत्तू से ही बनेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना इत्तू सा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक तो इस करंट एलिमेंट के आईडीएल के, समझ रहे हो। मैंने यहां पर डीएल नहीं लिखा है बेटे, आईडीएल लिखा है, करंट एलिमेंट बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट के, करंट मतलब आई, एलिमेंट छोटा सा पार्ट, ठीक है, ऐसा पार्ट जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट एलिमेंट, ठीक है। एक तो डी बी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड जो इत्तू सक मैग्नेटिक फील्ड बना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज साइन थीटा के ऊपर। अब ये बात समझना, थीटा, साइन थीटा कौन सा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड जो ये लाइन है दैट इज आर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है डीएल से, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है, और इस डिस्टेंस के बीच में और इस डीएल के बीच में जो ये एंगल बना, दैट इज थीटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसका आपको कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, साइन थीटा, ठीक है। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आगे ये वैक्टर्स हैं, वेक्टर्स होते हैं बेटे, ये डीएल क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड आर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, आगे आप बात करेंगे सारी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना दैट इज थीटा, और जिसका कॉम्पोनेंट कौन सा लेना है आपको, साइन, ठीक है। थर्ड, डी बी जो होता है यहां पर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। अगर आइडियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा, थीटा की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा डी बी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब डी बी क्या होगा, मैक्सिमम, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो डी बी भी मिनिमम होगा। नेक्स्ट,
जो डी बी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, कि अगर देखिए ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बायो सावर्ट ने बताया कि यहाँ पर इस वी पॉइंट पे इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड एक तो आइडियल के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकेंड साइन थीटा के ऊपर, थर्ड स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ये बात? और इसी चीजों को मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन के लिए अपने क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट ये वाला जो अपने लिया है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटे, करंट एलिमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट दैट इज आइडियल, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में डिस्टेंस है, करंट एलिमेंट मतलब ये आइडियल एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, वेयर ये वाला डिस्टेंस और इसके बीच में। क्लियर है ये बात, कोई डाउट बेटे यहां तक? अच्छा, इन तीनों को अगर आप मिला दें फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम 1, 2 and 3, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर है ये बात, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं यहाँ से, तो डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, वेयर के क्या चीज है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट कर लिया, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटे आप, इरेज कर दूँ, ठीक है यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह। हाँ जी, अब देखिए, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 10^-7, कितनी वैल्यू होती है 10^-7, ठीक है, क्लियर है। और यहां से अगर अपने म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10^-7, ये ध्यान रखना बेटा, ये वैल्यू आगे ना बहुत यूज होने वाली न्यूमेरिकल्स में, आप डायरेक्ट यहां पर ये वैल्यू पुट करोगे, आप म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7, यूनिट भी क्या होगा, यूनिट भी आप यहां से इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है, चलिए आगे यूनिट भी निकालेंगे, निकालना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ला और बनेगा मीटर, ठीक है, पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वो कैसे बना अभी आपको मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर है ये बात। अच्छा, ये म्यू नॉट क्या चीज़ है, म्यू नॉट क्या है, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको ध्यान हो तो के की वैल्यू अपन ने पुट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, वो थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो बताती थी मीडियम की प्रॉपर्टी थी, जो बताती थी दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। अब ये परमिएबिलिटी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड या विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब परमिएबिलिटी क्या होती है, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मीडियम
इन दैट मीडियम, उस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है ये कौन डिटरमाइन करेगा? म्यू नॉट। फ्री स्पेस की बात चल रही है ना, मीडियम के अलग अलग मीडियम की अपनी अपनी क्या होगी, परमिएबिलिटी होगी। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां लिख दूं तो db इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नाउ db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, और आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अपने पास कंप्लीट बायो सावर्ट लॉ की मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का अपने पास फॉर्मूला बन गया, db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इस कंप्लीट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आगे आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आएंगी इसकी बायो सावर्ट लॉ की, उसकी एप्लीकेशन के अंदर इस चीज को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो ये इरेज कर दूं, मैं यहां से इरेज कर दूं, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? अभी मैं आपको बता रहा था कि dl ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, r इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो क्या लिखा जाएगा बेटे? db वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, समझ ना, dl इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ में क्या लग जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक है। और आर कैप की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है यूनिट वेक्टर की, आर वेक्टर बाय आर, यही होती है किसी का वेक्टर का, हाँ जी, वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। तो db वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, हाँ जी, आई dl वेक्टर इनटू साइन थीटा, और इसको क्या वो लिखेंगे अपन, r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, और ये अपॉन में एक r वेक्टर बाय r भी होगा ना यहाँ पर, तो ये r स्क्वायर ऑलरेडी है और r एक और लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा, क्लियर है। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर अब आगे देखिए, मैं इधर से ये रेज कर रहा हूँ, राइट कर लिया आपने? हाँ जी राइट कर लिया। अच्छा हाँ जी, देखिए क्या बना अपने पास, ये db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, हाँ जी आई, ठीक है। अब dl इंटू r, ये देखिए dl वेक्टर, r वेक्टर, dl अपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा, तो मैं इस सारे को dl साइन थीटा r को मैं ये लिख सकता हूँ, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि इसी को खोलेंगे तो ये बन जाएगा ना dl r साइन थीटा अपॉन में क्या है, r क्यूब, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये यूनिट निकाला था, ये यूनिट भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, देखिए म्यू नॉट की यूनिट निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा db मल्टी r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भी ये इधर जाके मल्टी में आएगा, ये सारा क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, आइडियल, ठीक है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 पाई तो क्या डायमेंशन यूनिट लेस है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो म्यू नॉट के यहाँ से बनाएं अपन, तो db का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एसला, आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन में करंट का क्या एम्पियर, और dl का लेंथ है उसका भी क्या बनेगा मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया ऊपर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जो मैंने पहले यहाँ पर लिखा था। समझ में आया कैसे किसी का भी यूनिट आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए आगे, हाँ जी, अब मैंने बोला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, तो इसकी कुछ अब डायरेक्शन भी होगी, है ना, इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने निकाला db, इसकी डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थम रूल से। तो करंट की अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड होगा, और यहाँ से आउटवर्ड होगा। कल भी मैंने बताया था कि इनवर्ड जो होता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटवर्ड जो होता है उसको डॉट से, मतलब इस तरफ ऐसे करंट जा रहा है तो इधर से अंदर, इधर से बाहर, क्लियर है।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्स या राइट हैंड थंब रूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। हाँ जी, अच्छा, अब इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो समझने वाली है यहाँ पर, वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, देखिए इस वे के अंदर बना ना, ये ऐसे जा रहा था, करंट एलिमेंट आइडियल इस वे के अंदर था और बी पॉइंट यहाँ पर था, तो ये इस वे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। ये सपोज रेडियस है वो आर, इस पॉइंट पे देखिए ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और इस वे के अंदर करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है उसके चारों तरफ। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ के थ्रू समझाऊँ, तो इस रिंग के अंदर देखिए ये वो करंट एलिमेंट है, इस वे के अंदर करंट इसमें से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना, रुक जा मेरे भाई, रुक जा ओए बबुआ। हाँ जी, अब देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस करंट एलिमेंट के तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर करंट एलिमेंट बना इस वे में, तो इसके क्या हुआ, परपेंडिकुलर। यहाँ पे बना तब भी परपेंडिकुलर, यहाँ बना तो इसके साथ, तो हमेशा क्या बनाएगा, 90 के एंगल बनाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर जो बनने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस आर डिस्टेंस के भी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझना बेटे कि अगर मेरे पास ये आर आर है ये वाली, तो आर के भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। अगर देखिए ये आर है, ये रेड पेन जो है वो आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है बेटे, इस करंट एलिमेंट डीएल के और आर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और इस पॉइंट को आप नोट भी कर लेना, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए होगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट एंड, हाँ जी, और किसके बेटे, इसके डिस्टेंस के, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ जी, अच्छा, अब इसी का आप स्पेशल केस बना के, इसी के स्पेशल केस बना के आप सोल्व कर सकते हैं इसको, एक चीज को समझ सकते हैं स्पेशल केस बना के, ठीक है। वो देखिए क्या चीज और समझ सकते हैं यहां पर, कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो बना है ये मैक्सिमम हो कब होगा और मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला बना है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो साइन थीटा ही डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बनेगा या मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा, ठीक है। तो डीबी इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी +1, ठीक है। और +1 कब आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बना है ये कितने का हो, मतलब ये जो पी पॉइंट हो ये कहाँ लाई करता हो, मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे पी पॉइंट लाई करता हो, और ये एंगल कितने का हो, 90 का हो अगर एंगल, तो डी बी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस करंट एलिमेंट की वजह से वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। देन डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय आर स्क्वेयर, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसको ये हो गया सारा 1, तो ये अपने पास डीबी की वैल्यू बनेगी।
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर आप बात करें यहाँ पर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की, तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा? हाँ जी, साइन सेकंड सेट आप बोलते हैं डी बी इज मिनिमम। मिनिमम कब बनेगा? व्हेन साइन थीटा इज मिनिमम। और साइन थीटा मिनिमम क्या होता है? जीरो हो सकता है। और जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? हाँ जी, थीटा जीरो होने का मतलब क्या बेटे? कि ये जो पॉइंट पी है, थीटा कब जीरो होता जाएगा? ऐसे यूं घूम के इसी के ऊपर आ गया, मतलब करंट एलिमेंट इसी के ऊपर ही अगर लाई कर रहा, पी पॉइंट लाई ऑन द करंट एलिमेंट है ना, इसी लाइन के ऊपर ही अगर ये लाई करेगा तो थीटा ऑब्वियसली दोनों के बीच में, डीएल भी इसी तरफ है, आर भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो हो गया। तो थीटा अगर जीरो होगा तो डीबी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। मतलब व्हेन पॉइंट लाई ऑन द करंट एलिमेंट देन डीबी इज जीरो। मतलब जब भी कोई पॉइंट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ही अगर लाई करता है, इसी के ऊपर लाई करता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मिनिमम होगा, या जिसको आप बोल सकते हैं जीरो होगा बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।